विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। अभी इन दिनों में लॉकडाउन की वजह से सारे स्कूल बंद हैं, हमें काफी चिंता हो रही है अपने बच्चों की शिक्षा को लेके। उसके ऊपर हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने कुछ खाका बनाया है, वो आपके साथ उस पूरे को खाके को शेयर करेंगे। धन्यवाद सबको, नमस्कार। एजुकेशन से संबंधित कुछ निर्णय लिए गए हैं, उसमें सबसे पहला तो यह है कि नर्सरी से आठवीं तक के जो बच्चे हैं, खासतौर से छठी सातवीं आठवीं के बच्चे या उससे पहली क्लासेस के भी जो एग्ज़ाम हो रहे थे और दिल्ली में कुछ हिस्सों में तो राइड्स की वजह से और लेकिन उसके बाद कोरोना की वजह से वो एग्ज़ाम पोस्टपोन होते चले गए और फिर कैंसिल करने पड़े, तो निर्णय लिया गया है कि आठवीं तक के सभी बच्चे राइट टू एजुकेशन के तहत नो डिटेंशन पॉलिसी के अनुसार अगली क्लास में प्रमोट कर दिए जाएंगे। तो सारे बच्चे राइट टू एजुकेशन के तहत अगले क्लास में प्रमोट कर दिए जाएंगे, आठवीं क्लास तक के बच्चे। लेकिन ये सब बच्चे, नर्सरी से लेकर बारहवीं तक के बच्चे, अपने घर में रह के उनके सीखने का सिलसिला बंद ना हो और अब पढ़ाई का भी समय आ गया तो पढ़ाई का समय भी हर्ज ना हो, तो उसके लिए पेरेंट्स और टेक्नोलॉजी की मदद से और टीचर्स की मदद से एक पढ़ाई का खाका रहेगा। इसके लिए हमने बहुत सारे कंसल्टेंट से डिस्कस किया, एजुकेशनिस्ट से डिस्कस किया, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स टीचर्स के साथ डिस्कशन किया, अपने स्कूल प्रिंसिपल टीचर्स के साथ डिस्कस किया और ये तय किया कि नर्सरी से आठवीं क्लास तक के बच्चों को जो पढ़ाने का तरीका होगा, सिखाने का तरीका होगा, वो ये रहेगा कि हम उनको SMS के जरिए और IVR के जरिए, रिकॉर्डेड फोन कॉल के जरिए, उनके हर बच्चे के पेरेंट को एक रोज एक एक्टिविटी भेजेंगे। ये एक्टिविटी बच्चे अपने पेरेंट्स या अपने भाई बहन की मदद से घर पे कर सकेंगे। उसमें उनको सोचने के लिए, बोलने के लिए, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, इस तरह की एक्टिविटीज़ में एक्सपर्ट किया जाएगा, उसको सिखाया जाएगा। इस पूरी एक्टिविटी को प्रोजेक्ट के रूप में अपनी नोटबुक में भी रखेंगे और स्कूल खुलने के बाद उनके टीचर्स उसको देखेंगे और इंटरनल असेसमेंट में उसको वेटेज दिया जाएगा। इसके साथ साथ क्लास के टीचर्स फोन से अपने स्टूडेंट्स के संपर्क में रहेंगे हर एक क्लास में। ये था आठवीं तक के बच्चों के लिए। इसके बाद मेन जो डिसीजन है, सबसे ज़्यादा हर्ज जो हो रहा है वो बारहवीं क्लास के बच्चों का हो रहा है, क्योंकि उनके अगले साल, इस साल अब क्योंकि जो ग्यारहवीं पास करके बारहवीं में आ गए उनके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, तो बारहवीं में जाने वाले बच्चों के लिए दिल्ली सरकार के टीचर्स के द्वारा क्लासेस शुरू की जाएंगी, ऑनलाइन क्लासेस। हर रोज़ दो सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी। इसके लिए बच्चों को एक प्लेटफॉर्म, इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे जाकर रजिस्टर करना होगा। इसका लिंक हम सब बच्चों को SMS के द्वारा भेज देंगे। तो बारहवीं क्लास के सारे बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करेंगे और उनको हर रोज दो सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस दिल्ली सरकार के स्कूलों के टीचर्स लेंगे। जो बच्चे इस रजिस्टर करते रहेंगे उनको सरकार की ओर से डेटा पैकेज खरीदने के लिए भी पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि गरीब परिवारों के बच्चे हैं, उनके पास अगर फोन भी है तो उनके पास में डेटा पैकेज के पैसे नहीं होंगे, तो डेटा पैकेज के पैसे भी दिए जाएंगे। ये सिस्टम अप्रैल के पहले हफ्ते से बारहवीं क्लास के लिए शुरू हो जाएगा और उसके कुछ समय बाद दसवीं क्लास के लिए भी शुरू कर दिया जाएगा। पहले इसको बारहवीं क्लास के लिए शुरू करेंगे और फिर दसवीं के लिए शुरू कर लेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो TV चैनल के माध्यम से भी हर क्लास के लिए, हर क्लास के लिए अलग अलग विषयों की क्लास हम शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बारहवीं का हुआ और दसवीं का हुआ। नवीं क्लास के लिए और ग्यारहवीं क्लास के लिए, नवीं क्लास के लिए अभी हम CBSE से योजना बना रहे हैं और उसके बाद आपसे शेयर करेंगे, CBSE से बात कर रहे हैं। दसवीं क्लास के लिए, ग्यारहवीं क्लास के लिए, दसवीं के रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि अभी दसवीं के रिजल्ट नहीं आया तो ग्यारहवीं क्लास में अभी इफेक्टिवली कोई बच्चा नहीं है, जो भी बच्चे हैं वो पास होके बारहवीं क्लास में चले गए हैं, तो बारहवीं क्लास की शुरू हो गई है, आठवीं क्लास तक की शुरू कर दी है। नवीं के लिए हम CBSE से बात कर रहे हैं और ग्यारहवीं क्लास के लिए अभी रिजल्ट का वेट करेंगे। वैसे उम्मीद करते हैं और ईश्वर सब बच्चों को स्वस्थ रखे, सब टीचर्स को स्वस्थ रखे, तब तक कोरोना और लॉकडाउन सब खत्म हो जाएंगे तो रेगुलर क्लासेस होंगे। तो आप सब लोग अपने अपने घर में रहिएगा, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिएगा, अफवाहों पे बिल्कुल मत यकीन रखिएगा, अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिएगा। इस वक्त सबसे बड़ी देशभक्ति एक ही है,
अपने घर में रहो, घर से बाहर मत निकलो। बहुत बहुत शुक्रिया।